Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होने जा रहे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनके कार्यकाल के आखिरी कुछ दिन यूपी की योगी सरकार को बड़े ही भारी पड़े। जिस बुलडोजर की बदौलत योगी ने बुलडोजर बाबा की हीरो वाली इमेज बनाई, उसी ताबड़तोड़ चल रहे बुलडोजर पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब बुलडोजर एक्शन का प्लान बना लिया और बुलडोजर चला दिया, हाथ बांध दिए गए। अब जिनके घर पर बुलडोजर से जिनका घर गिराया गया उनको लाखों रुपए मुआवजा देने का ऑर्डर पास किया गया है। 10 नवंबर को सीजीआई रिटायर हो रहे हैं और 6 नवंबर को रिटायर होने से 4 दिन पहले योगी के बुलडोजर जस्टिस पर चल गया बुलडोजर, जिसमें कैच ये है कि सबके मुआवजे का ऑर्डर नहीं है, बुलडोजर चलाकर जिनके घर गिराए हैं उनको मुआवजा देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार ने जिनका घर तोड़ा उन्हें 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। मामला है 2019 का, जब सरकार ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बुलडोजर से विध्वंस कर दिया था और घर गिरा दिया था। यूपी के महाराजगंज जिले में सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था। इसी मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कहते हैं कि वह 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण करता था, हम इसे सुन रहे हैं लेकिन कोई भी प्रमाण पत्र आप नहीं दे रहे हैं, पर आप क्या इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं, यह अराजकता है, किसी के घर में घुसना। उन्होंने ये भी कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है। हमारे पास हल्फनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था और हम इस मामले में दंडनात्मक मुआवजे देने के इच्छुक हो सकते हैं, क्या इसे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, साथ में सवाल उठाया है। लेकिन सीजीआई ने राज्य सरकार के वकील से यह भी पूछा कि कितने घर तोड़े आपने। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि 123 अवैध निर्माण थे। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि आपके इससे कहने का क्या तात्पर्य है कि ये अनाधिकृत था, आपने 1960 से क्या किया, पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे, बहुत ही अहंकारी है, राज्य को एनएचआरसी के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा, आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि आपके अधिकारी ने पिछले रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया, अगले दिन बुलडोजर लेकर गए और यह अधिग्रहण करने की बात कही, यह अधिग्रहण की तरह ही था कि आप बुलडोजर लेकर नहीं जाते, वहां घर नहीं गिराते, आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते, चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना था, यह इस पूरी कवायद का कोई कारण नहीं लगता और इसी वजह से आपने घर तोड़ दिया बिना कोई कारण के, बिना कोई वजह के। सीजीआई ने आदेश में यह भी कहा कि इस मामले में जांच करने की आवश्यकता है। यूपी राज्य ने एनएच के मूल चौड़ीकरण के जो दस्तावेज है वो पेश नहीं किए, दूसरा ये साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है कि अतिक्रमणों को चिन्हित करने के लिए कोई जांच की जरूरत थी या जांच की गई थी, तीसरा ये दिखाना होगा कि यह बिल्कुल भी सामग्री नहीं है कि परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाए, कोई आप योजना लाएं और उसके लिए आप जमीन को दखलअंदाजी करके घर तोड़ दें। राज्य सरकार अतिक्रमण के सटीक सीमा का खुलासा करने में विफल रही है, अधिसूचना राजमार्ग की चौड़ाई और याचिकाकर्ता की संपत्ति की सीमा जो कि अधिसूचना चौड़ाई में आती है, ऐसे कथित अतिक्रमण के क्षेत्रों से परे घर तोड़ने की जरूरत क्यों आपको पड़ती है। एनएचआरसी की रिपोर्ट यह भी बताती है कि तोड़ा गया हिस्सा 3.75 मीटर से कहीं अधिक था। इस पर एससी मनोज टिब्रेवाल आकाश की ओर से भेजी गई एक शिकायत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में दर्ज एक सुओ मोटो याचिका पर सुनवाई कर रहा था और आशंका यह भी है कि आकाश का जिला जो है महाराजगंज में 2019 में यह सड़क चौड़ीकरण का मामला था जिसमें घर को तोड़ दिया गया और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की।
आपको यह भी बता दें कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन नहीं रुकेगा। सड़क के बीच में अगर धार्मिक निर्माण है तो गलत है, अवैध मंदिर हो, दरगाह हो, उसे हटाना होगा। लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है, यह डेमोलिशन का आधार नहीं हो सकता है। देश भर के लिए इस मामले में गाइडलाइंस जारी किया गया है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक भी लगा दी है और अब रोक लगाने से पहले की जो याचिका है उसी पर सुनवाई हो रही है और उस पर सुनवाई करते हुए 2019 के केस में योगी सरकार को फटकार लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 25 लाख रुपए का मुआवजा उस परिवार को दीजिए जिस जिसका घर आपने वहां पर चौड़ीकरण के दौरान तोड़ा था। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।